दोस्तों इंडेक्स पर मार्ट में आज एक नया जो नया प्रोडक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टोव्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये स्टोव्स जो है ये लकड़ी से भी चलते हैं, पैलेट से भी चलते हैं और ये कोयले से भी चलते हैं। तो क्या इनमें खास बात है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इसमें मोड दिया गया है। बहुत सारी इनमें वैरायटी बताई गई, इनकी जो खास बात है बहुत सारी इनकी खास बात बताई गई है। तो कहाँ कहाँ पर ये यूज हो सकते हैं और कितने रुपये में आप इन्हें खरीद सकते हैं, कितने इनकी वारंटी है और कहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या ये धुआं निकालेंगे ना निकालेंगे, या अगर धुआं निकालेंगे तो कितने परसेंट धुआं निकाल सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हम देंगे। तो मेरे साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर मेरा नाम प्रदीप है, हम ही समर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जिसका अग्निका करके एक ब्रांड नेम है जो स्टोव्स रिप्रेजेंट करती है डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल। डोमेस्टिक में आ जाता है हमारा इको मिनी स्टोव जिसमें धुआं होता है 90% कम अपने मिट्टी वाले चूल्हे से, जिसमें आपकी इफ़िशंसी लकड़ी की खपत रहती है वो 50-70% बढ़ती है, यानी रिक्वायरमेंट उतनी कम लगती है आपको, 30-40% ही लकड़ी लगती है। अगर मैं वैसे बात करूं देहात में, तो आपने बताया था कि 90% कम जो इसका धुआं होता है, मतलब जो लकड़ी जलती है उसमें जो टोटल धुआं है उससे केवल 10% ही निकाले गए, 90% खा जाएगा अंदर, इसके अंदर हो जाएगा। जी सर खा जाएगा। जो अंदर धुआं रहेगा वो तो सर कहीं ना कहीं अंदर होगा, नहीं रहता है सर, वो एक्चुअली जो धुआं रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। अच्छा। तो उसको हम देते हैं ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। अच्छा। जिसके वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब धुआं ही कुल 10% बनेगा। जी बनेगा ही 10%, वो जाता नहीं है किधर, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लेम के एफिशिएंसी के लिए, वो हीट बन जाता है एक टाइप का, तो वो आपका एफिशिएंसी, इसके वजह से हमारी लकड़ी ज्यादा जलती है। तो इसमें जो लकड़ी है वो कम जलेगी, लकड़ी आपकी कम लगेगी, लकड़ी की जो खपत है वो कम रहेगी लेकिन बर्न ज्यादा होगी, बर्न ज्यादा होगी। और जो मिट्टी वाले चूल्हे हैं उसमें आप देखोगे कि पाउडर पूरी तरह नहीं बनता है। जी जी। तो हमारे स्टोव में पाउडर भी पूरी तरह बनता है, लकड़ी का जो जलने का प्रोसेस है वो पूरी तरह जलता है। अगर हम इस लकड़ी को जलाने लगे सर जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब हम इसे जो वैसे देहाती चूल्हन में जलाते हैं तो इनका कोयला बन जाता है। जी आपका कहने का मतलब है कि कोयला नहीं बनेगा, पाउडर बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, कोयले को भी खत्म कर देगा। जी इसका यही खास बात है। अच्छा, तो ये जो स्टोव है इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं सर? इस पे घर के कोई भी चूल्हे भर के काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पानी गर्म करना, पानी बनानी, रोटी बनानी, सब सब कर सकते हैं सर। तो सर वारंटी क्या दी है इसकी? इसकी वारंटी 1 ईयर दी है, लेकिन लाइफ फ्रॉम मिनिमम 5 साल देते हैं। 5 साल चलेगा ये? चलेगा ही, लेकिन हम लोग वारंटी 1 साल के लिए देते हैं अगर डैमेज नहीं हुआ तो। अच्छा, मतलब अगर इसकी जो रख रखाव हो ठीक से करा तो। जी। अच्छा, और ये दूसरा वाला किस तरह का है? ये तो यहाँ पर आपने सर्किट वगैरह बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है सर। अभी ये जो हमने बताया था कि ये लकड़ी के बेस पे बना हुआ है। हाँ जी। तो अभी लोगों को कोयला भी यूज करना है, पैलेट्स भी यूज करना है। जी। तो ये कोयला और पैलेट्स दोनों यूज करना है, साथ ही साथ लकड़ी भी यूज करनी है, इसके वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्यों दिया है? हाँ जी। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई लकड़ी जो रहती है वो हवा खींचती है, लेकिन कोयला और पैलेट्स हवा खींचता नहीं। आग जो जलने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सर, आग जलने। जी। तो आग के लिए जो ऑक्सीजन की खपत चाहिए रहता है लकड़ी, वो खुद से खींच लेता है, लेकिन पैलेट्स और कोयला वो खींचता नहीं है खुद से, तो उसको हम फोर्सफुली हवा के माध्यम से करता है। हाँ। अच्छा, उसको हवा के माध्यम से देना पड़ता है। पैलेट्स क्या होता है सर? सर पैलेट्स एक एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। थोड़े ज्यादा उठा, ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। एग्रीकल्चर वेस्ट कुछ भी हो सकता है, भुट्टे के छिलके हो गए, गेहूं की घास जो रहती बची हुई वो हो गया, गाय का गोबर हो गया जो सूखा गोबर रहता है, कैशू शेल्स हो गए, कुछ भी हो सकता है उससे बनता ही है। अच्छा, तो ये तो सर मार्केट से बाय करना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा मार्केट से, हर किसी घर में तो ना बन पाता ना? नहीं सर। सर लेकिन ये हर एक इधर सप्लायर रहते हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज में है। अच्छा, सप्लायर्स। अच्छा, अगर ये कमर्शियली यूज करते हैं, हमारे पास जिसमें कमर्शियल स्टोव्स है उनके लिए हम उनको सप्लायर्स वो एरिया में ढूंढ के देते हैं या फिर उसके एरिया में हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर डोमेस्टिक की बात करें, जैसे गांव देहात की बात करें, तो लकड़ी से तो काम कर ही जाएगा ना आराम से, अगर मतलब पैलेट्स ना मिलेगा लकड़ी से काम करेगा, कोयले से भी काम करेगा। हम लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दिया है। अच्छा। कि भाई लकड़ी की खपत और कम हो, जहाँ पे 30-50% हो रहा है वहाँ पे हम 10-20% पर लाना चाहते हैं, तो ये उसका इनिशिएटिव है।
इसमें और प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें खपत और कम होगी। अच्छा, अगर इसमें हम लकड़ी यूज करें तो इसकी जरूरत ना पड़ेगी ना सर? फिर नहीं, अगर आपको लकड़ी अगर डालते हो, अगर आपको चाहिए कि इफिशियंसी और ज्यादा आए, ज्यादा आग प्रॉपर बने, तो अगर आप ये यूज करते हो तो अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है, डिस्चार्ज हो गया, तो आप ये निकाल के भी यूज कर सकते। अच्छा, तो आप ये और बताएं, इसके अंदर बैटरी वगैरह फिट है क्या? इसके अंदर बैटरी दी हुई है, लिथियम आयन बैटरी है। अच्छा, जिसकी एक साल की वारंटी मिलती है। अच्छा, यार ये पंखा है सर यहाँ पर लगा हुआ, मतलब बैटरी इस पंखे को चलाएगी, पंखा अंदर हवा पहुँचाएगा, ऑक्सीजन पहुँचाएगा, बाहर वाली है वो ज्यादा बर्न होगी लकड़ी? ज्यादा बर्न होगी, प्रॉपरली बर्न होगी जी। अच्छा, इसके पास ही आपने बड़ा सा और चूल्हा दे रखा है, ये किस काम का? सर ये जो हमारे गाँव के चाय वाले रहते हैं बाहर, अभी जैसे इसमें और इसमें आग थोड़ी कम आती है तो काम थोड़ा धीरे होता है जी। जिसको अपना काम की स्पीड बढ़ानी रहती जी, है जी। तो इसको फोर्सफुली एयर हम लोग सिंगल डायरेक्शन में देते हैं। अच्छा, जो आग रहती है वो सीधा बर्तन पे जाता है प्रॉपर। तो इसमें एयर कहाँ से आती होगी सर? सर एयर आता है नीचे से उसके। अच्छा अच्छा, अगर आप देखोगे तो दिख रहा। अच्छा, ये नीचे से एयर आएगा इसमें जी सर। ठीक। तो इसकी वारंटी कितनी होती होगी सर? सर इसकी 1 ईयर की वारंटी है, 1 ईयर की सभी की सबकी, लेकिन बैटरी 1-6 महीने की वारंटी रहती है क्योंकि बैटरी साइकिल कम रहता है उसका। अच्छा, लिथियम आयन बैटरी है जी? नहीं, इसमें लीड एसिड बैटरी है, इसमें लिथियम आयन है। इसका सर साइकिल ज्यादा होता है? इसका 300 साइकिल रहता है, इसका 150 साइकिल रहता है, लेकिन आपको ये हफ्ते में एक ही बार चार्ज करना पड़ता है। अगर आप 2 घंटा दिन में यूज करते हो, 2 से 3 घंटा, तो उस हिसाब से आपको हफ्ता भर इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, हम शुरुआत कर देते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत क्या होगी सर? 2500 रुपए। इसकी कीमत क्या है? 3500। इसकी कीमत क्या है सर? सर इसकी 2700 है। अच्छा, ये वाला भी जो हम सर चूल्हा देख रहे हैं तो ये शायद और सभी से अलग सा लग रहा है जी। इसका जो ये सर्किट सा है वो काफी बड़ा दे रखा सर आपने, मतलब ये किस किस चीज से चलेगा ये? सर इसमें कोयला, पैलेट्स, लकड़ी, तीनों चीजें चलेगी, लेकिन लकड़ी के छोटे टुकड़े होंगे तो इसमें चलेगा। टुकड़े इसमें रखे जाएंगे जी। और इसकी खास बात ये है, लोगों को पार्टी करने के टाइम पे बारबेक्यू तंदूर का शौक रहता है। हाँ। तो हमने वो स्टैंड तो दिया है साथ। अच्छा अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस नहीं। नॉर्मली आप उसको चूल्हे की तरह यूज कर लो, नॉर्मली अगर आपको चाहिए तो तंदूर की तरह यूज कर लो। अच्छा अच्छा, और जब जैसे आप बता रहे हो कि इसका बैटरी बॉक्स बड़ा है, इसका ब्लोअर बड़ा है क्योंकि इसमें स्प्लिट किया हुआ है, हवा को बांटा गया है। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए बड़ा ब्लोअर डाला हुआ है। उसके साथ ही इसमें ही बैटरी है, इसमें ही सर्किट है। अच्छा, और इसको पोर्टेबल इसीलिए रखा गया है कि आपको अगर आपकी बैटरी कभी खराब होती है या सर्विस मेंटेनेंस के लिए, आपको पूरा स्टोव लेके घूमने की जरूरत नहीं है, बैटरी अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा, अलग हो जाएगा सर ये? जी जी। अच्छा, इसके अलावा सर ये वाला है आपका, ये गोल वाला सर, काम तो सबका सेम ही होता होगा, अलग है? सबका सेम नहीं है, कुछ अलग होता है। अभी ये पार्टी टाइप बनाया हुआ है जी जी। ये इस पे खाली पैलेट्स चलते हैं। अच्छा, केवल पैलेट्स? केवल पैलेट्स के लिए बनाया हुआ तो है। ये इसमें अगर कोयला वगैरह डाले तो ना उससे? नहीं, कोयले से आपको एफिशिएंसी नहीं मिलती है, जलने की खपता वैसी नहीं होती। अच्छा, पैलेट से अच्छे? पैलेट से बहुत अच्छा फ्लेम मिलता है। जैसे हमारे गैस घर में गैस आता है, जलता है, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए आया सर? ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी चलता है, कमर्शियल पर्पस के लिए भी चलता है। और ये तो काफी बड़ा सर आपने ये ले रखा है, ये पूरा इतना बड़ा चूल्हा सर ले रखा है? सर ये प्योरली कमर्शियल बेस्ड है, होटल हो गए, मिठाई की दुकानें हो गई, हॉस्टल हो गया, कैंटीन हो गया, उधर जिधर कंटिन्यूस गैस चलते है जी, उधर के लिए बनाया गया है ये जी। तो उसमें क्या बात रहती है कि उनका LPG लग रहा है। LPG के खर्चे से कम खर्चे में हम ये स्टोव देते हैं। LPG के खर्चे में जितना आता है, अगर आप समझ लीजिए LPG आपको 1000 रुपए का लग रहा है, तो उसी मुकाबले आपको जो पैलेट्स लगेगा वो 600 से 700 रुपए का लगेगा। जो आग की जो ताकत है वो बराबर मिलेगी ना सर? आग की ताकत बराबर मिलेगी। उसमें फायदा ये रहता है कि आपको 2 kg per घंटा, 3 kg per घंटा, 4 kg per घंटा उसके ऊपर हमने सेटिंग दी हुई है। अच्छा, हाँ, ये नॉब देख रहे हो इस पे वो सेटिंग है। अगर स्पीड नंबर 1 पे रखते हो तो 2 kg per hour चलेगा, जिसमें 2 kg 1 घंटे की खपत होगी। अगर स्पीड नंबर 2 पे लेके जाते हो तो उसकी खपत 3 kg per hour होगी जी। और अगर 3 पे लेके जाते हो तो 4 kg per hour जी। तो उससे क्या होता है, इसमें खाली एक क्या खास बात है, हम लोगों ने फीडिंग अलग से दिया हुआ है, जो इनलेट है पैलेट्स का एक बाजू से दिया हुआ है, तो आपको जितनी देर यूज करना है आप यूज कीजिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए, विद इन 1 या 2 मिनट के अंदर वो बंद हो जाता है। अच्छा, तो जो जो मतलब आधा ही जला होगा तो बचा रहेगा वो? हाँ,
इसमें खपत तक नहीं की भैया। तो बात ये करिए, अगर इसके पास हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और ऑक्सीजन इसके यहाँ से बंद कर दिया तो ये मतलब इसके बुझ जाएगी जी। तो इसमें हम लोगों ने फीडर दिया हुआ है जी, पीछे आप देख सकते हो वीडियो में। अभी हम लोगों ने एक होटल में दिया हुआ था जिधर खवा बन रहा है। अच्छा, तो ये जो सर हम जो वीडियो में देख पा रहे हैं इसमें एक साइड में ये क्या बोल रहे हैं पैलेट्स डाले हुए, एक साइड में इसके पैलेट्स रखे हैं, वो तो खाली इसलिए रखेंगे तब वहाँ यूज करेंगे तो उसमें डाल दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने फीडर दिया हुआ है, मोटर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक जाएगा, ऑटोमेटिक जाता है जैसे हिसाब से आप स्पीड सेट करोगे। अच्छा, ये स्क्रू से रोटेट होते हुए आगे जाते जाता है, ऐसे डालेंगे यहाँ से जी, ऐसे जाएंगे आगे, मतलब इसे पूरा भर के रख दे तो ऑटोमेटिक अपना लेता रहेगा आगे जाते जाते। अच्छा 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 अच्छा, आप ये और बताएं सर ये पैलेट्स कितने रुपए किलो आते हैं? सर ये 18 से 23 रुपए किलो तक जाता है, 18 से 23 रुपए किलो तक ऑन एन एवरेज। तो ये मिलते कहाँ से हैं सर? कोई लेना सर ये लोकल सप्लायर्स आपको गूगल पे या अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ता है जी, जी। उसका आप लोकल वेंडर ढूंढ के आप खरीद सकते हो सर। अच्छा, तो इतने सारे प्रोडक्ट सर हमने देखे, इसका और दाम बता दें फिर बता दें कि लोग इन्हें खरीद कर सकते हैं। इसका सर 45,000 रुपीस, 45,000 और वारंटी 1 ईयर है इसकी भी क्या? 1 ईयर वारंटी है इसकी सर। बस चल कितना सकता है आपके हिसाब से? सर इसका लाइफ है 5 to 10 years की लाइफ साइकिल है इसकी। और अगर बीच में कुछ कमी आ जाती है कैसी तो ठीक कैसे होगा? सर अभी जैसे इसमें जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए इसमें जो खराब होने वाली चीज़ें पहले तो हम लोगों ने सिलेक्ट करके बहुत ध्यान से सिलेक्ट किया हुआ है जी, जी। अगर फिर भी हम ना करें कि भाई कोई चीज़ खराब होती है, हाँ वायरिंग है तो नॉर्मल वायरमैन से आप वायरिंग तो करवा सकते हो जी। उसके बाद अगर समझो मोटर खराब होती है या फैन खराब होती है, फैन हमने ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है कि मार्केट में उनको इजीली अवेलेबल होते हैं। अच्छा, और फिर भी अगर अवेलेबल नहीं होता है, अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम स्पेयर्स अवेलेबल करवा देते हैं वो एरिया में वाया ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो सर लोग आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना या वेबसाइट वगैरह अपनी? सर हमारी वेबसाइट है agnika.com, उसके बाद हम लोग अमेजोन पे भी बेचते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी बेचते हैं। अगर आपको सप्लाई कॉन्टैक्ट करके कॉल करके करना है तो उसका कॉल के लिए भी हमारा एक नंबर है, बताएं सर नंबर, 8799325 87, ये हमारा सेल्स पर्सन का नंबर है। अच्छा, कोई अगर आपसे इन्हें खरीदना चाहे तो होम डिलीवरी हो सकती है सर क्या? ये होम डिलीवरी होती है, विद कैश ऑन डिलीवरी अगर ऑप्शन चाहिए तो भी मिल जाता है। अच्छा, थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने बहुत सारे चूल्हों की यहाँ पर ये जानकारी ली होगी और चूल्हों की हम दो वीडियो और आपको दिखा चुके हैं। अगर अभी तक हमने वो अपलोड नहीं की होगी तो हो सकता है कि आने वाले 2 या 4 दिन में वो वीडियो हम अपलोड कर दें, तो आप सब में कंपैरिजन कर सकते हैं और सबकी जो खास बात है वो जान सकते हैं कि क्या इनमें खास बात है और आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नए नए जो कंटेंट लगातार हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।